नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। हमेशा से लोकसभा चुनावों में काला धन मामला मुद्दा बनता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन भारत सरकार की पहल पर अब शायद हालात बन रहे हैं कि काला धन वाले लोगों के नाम उजागर हो जाएं, क्योंकि स्विस बैंक भारतीयों के खातों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सितंबर से भारत को देने के लिए तैयार हो गया है और आशा जताई जा रही है कि सितंबर से स्विस बैंक जानकारी देना शुरू कर देगा। यही नहीं, पिछले साल स्विस खाता बंद करने वाले भारतीयों के बारे में भी भारत को जानकारी दी जाएगी। स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रेमवर्क के तहत भारतीय टैक्स अधिकारियों के साथ तमाम स्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसा रखने वाले भारतीय ग्राहकों के अकाउंट नंबर, क्रेडिट बैलेंस और हर तरह के फाइनेंशियल इनकम से जुड़ी जानकारियां साझा की जाएंगी। स्विट्जरलैंड के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की माने तो सितंबर में भारत को जानकारी भेजने के बाद सालाना आधार पर जानकारियों को साझा किया जाएगा। सितंबर में जिन लोगों की जानकारी साझा की जाएगी वो उन लगभग 100 व्यक्तियों और उपक्रमों के बारे में भारत को पहले दी गई सूचनाओं के अतिरिक्त होंगी। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि स्विट्जरलैंड ने टैक्स के मामलों में प्रशासनिक सहायता को लेकर एक द्विपक्षीय समझौते के तहत लगभग 100 भारतीयों के स्विस बैंक में खातों की जानकारी भारत को पहले ही दी थी। और ये सारी बातें विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में बुधवार को एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि स्विट्जरलैंड में बैंक खाता रखने वाले भारतीयों के बारे में जानकारी सितंबर से भारत को ऑटोमेटिक आधार पर मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया स्विट्जरलैंड टैक्स ट्रीटी जांच के अधीन मामलों के लिए आवेदन के आधार पर जानकारी देने की भी सुविधा प्रदान करता है। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार उन नामों को सार्वजनिक करेगी तो मंत्री ने कहा कि सूचना का उपयोग गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आता है, तो आप समझ चुके होंगे कि काला धन रखने वाले लोगों का काला चिट्ठा भारत सरकार के हाथ आने वाला है और उसके बाद भारत सरकार सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। और ये सब हुआ है एक सख्त और बहुमत वाली सरकार की वजह से।